बेटा इस न्यूमेरिकल ये स्टूडेंट ये इस न्यूमेरिकल के अंदर यहाँ पर एल्टीट्यूड अबव द अर्थ जो दी गई है दैट इज कॉल्ड एच एंड इट्स वैल्यू इज गिवन 850 किलोमीटर्स। किलोमीटर ऐसा यूनिट तो नहीं है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 850 इनटू के की जगह 10 10^3 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि 850 के साथ आप 3 जीरो भी लगा लें तो तब भी ये काम चल जाता है। आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड और VO से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम दो इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे जिससे ये इंतहाई इट विल बी वेरी वेरी इजी ड्यू टू दीज टू इक्वेशंस। फर्स्ट वी राइट वी नो दैट वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस आर प्लस एच या दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। वी आल्सो नो दैट वी आल्सो नो दैट जी एच इज इक्वल टू जी एम ए आर प्लस एच होल स्क्वायर। स्क्वायर दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ जी एच फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ओके, वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, यहाँ पर ये मैं सर्कल करने लगा हूँ ये ग्रे कलर से, कि ये जो जी एच लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है जी, जी सर, इसकी जगह पर आप ये सारी वैल्यू उठाकर लगा देंगे। मैं लगाने लगा इसको पहले सॉल्व करके नहीं वैल्यू लिखेंगे? नो नीड, ये बेहतरीन मेथड ये जो है ना जी एम ओवर आर प्लस एच होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एच। इसमें से ये जो चीज है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये आर प्लस एच कैंसिल हो गया इसके स्क्वायर के साथ, एंड नाउ वी हैव फार्मूला विच इज जो फार्मूला हमारे पास आया है वो हो गया जी वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम आर प्लस एच। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। मास ऑफ अर्थ है 6 × 10^24 किलोग्राम्स। आर वैल्यू है 6.4 × 10^6 मीटर प्लस
इनमें से कौन सी वैल्यू लगाएं? ये हाइट की, सर ये मीटर में जो की हुई है 850। हाँ दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ये वैल्यूज लग गई। अब जब हमने वैल्यू लगा ली तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट साइन भी लगाना है। ये आ गया। आप इसमें से बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अगर इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, कैलकुलेटर पे मैं लिखने का सिर्फ मेथड बताने लगा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। एक तो ऑप्शन आपने, एक तो स्क्वायर रूट लिखना है और जी सर, इट ओपन कर देनी। नेक्स्ट एक दफा फिर ब्रैकेट ओपन करें और इस ब्रैकेट के अंदर सारी न्यूमिरेटर वाली वैल्यूज लिख दें, न्यूमिरेटर वाली, फिर डिवाइडेड बाय करके तो ब्रैकेट जो है ना, फिर ब्रैकेट ओपन करें और इसमें सारी डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे लिखी हुई है ना वैसे ही लिख देनी है आपने। जी सर, और ये वैल्यू लिखें डिनोमिनेटर्स की, सारी मल्टीप्लाई का साइन और जो कुछ भी है ये आ गया। ये करने के बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पर एंड पे भी डबल ब्रैकेट होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के स्टार्ट में ये ब्रैकेट जो रेड वाली है इसकी क्लोजिंग तो बेसिकली ये हो गई ना। और जी सर, इन आपने दोनों वैल्यूज अगर ब्रैकेट में लिखने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह आपका आंसर बेहतरीन आपके सामने मौजूद होगा। लिख के जरा बताएं हाँ क्या आंसर आया है। ओके सर। मैं इसका आंसर आ गया 7431 मीटर पर सेकेंड। इस एंड में आपके लिए बेटा ये एक और चीज जरा देख लीजिएगा, एक और चीज, अगर आपके पास ये नेचुरल डिस्प्ले वाला कैलकुलेटर हो, आपके पास नेचुरल डिस्प्ले वाला है, आपने पता क्या करना है, आपने सबसे पहले स्क्वेयर रूट साइन लगाया ये वाला, फिर उसके अंदर जो है ना आपने वो फ्रैक्शन वाला बटन, नहीं है ये वाला फ्रैक्शन वाला जी पी, सर वैसे किया मैंने, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख दिया, नीचे वाली जी, नीचे। तो उसमें ऊपर वाली ऊपर, तो उस तरीके से भी बेटा बेहतरीन हो जाता है।